हे गाइस वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और 11 सितंबर 2001 टेररिस्ट का एक ग्रुप 4 अमेरिकन प्लेन को हाईजैक करके अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश करा दिया। एक एक करके सभी प्लेन्स को जबरदस्ती बिल्डिंग से टकरा दिया गया। ये घटना इतना भयानक था कि कुछ ही सेकेंड्स में हजारों बेकसूर लोग मारे गए और इस पूरे घटना में $10 बिलियन का नुकसान हो गया। ये अमेरिका के लिए एक खौफनाक दिन था जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस घटना से लोग उभरे भी नहीं थे और ठीक 2 महीने बाद फिर से एक प्लेन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 587 तेजी से अमेरिका के एक सिटी में क्रैश हो गया। और आज के इस वीडियो में हम इसी प्लेन के बारे में केस स्टडी करने वाले हैं। November 12, 2001, 9:05 सिटी कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क। फ्लाइट 587 251 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर्स को लेकर उड़ान भरने वाला था। ATC ने अभी तक प्लेन को टेक ऑफ क्लियरेंस नहीं दिया था क्योंकि उसी रनवे से एक जापानीज प्लेन बोइंग 747 उड़ान भरने वाला था। 9:13 पर फ्लाइट 587 को टेक ऑफ क्लियरेंस मिल गया। साथ ही साथ ATC ने यह भी बताया कि कुछ ही मिनट्स पहले बोइंग 747 उसी रनवे से टेक ऑफ किया है तो हो सकता है थोड़ा बहुत टर्बुलेंस का सामना करना पड़े। अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 587 को अब क्लियरेंस मिल चुका था और अब वो टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो गया। करीब 1 मिनट बाद प्लेन 1300 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच गया। ATC ने 13,000 फीट तक क्लाइंब करने के लिए कहा और इसी दौरान प्लेन अचानक से हिलने लगा। पायलट ने प्लेन को कंट्रोल करने के लिए रडर पेडल का इस्तेमाल किया जो कि सीधा कनेक्टेड होता है स्टेबिलाइजर से। रडर पेडल का यूज करते ही प्लेन और भी अधिक तेजी से हिलने लगा और फिर ये अनबैलेंस हो गया। पायलट को लगा कि ये टर्बुलेंस के कारण ही हो रहा होगा, इसलिए उसने टर्बुलेंस से बाहर निकलने के लिए प्लेन के स्पीड को और भी बढ़ा दिया। पर उसने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। पायलट अब भी रडर पेडल को जोरों से अप्लाई कर रहा था, कभी लेफ्ट तो कभी राइट, और फाइनली जो हुआ वो आज तक के एविएशन के इतिहास में कभी नहीं हुआ। प्लेन का टेल मेन बॉडी से ही उखड़ के अलग हो गया और प्लेन डगमगाते हुए किसी घायल पंछी की तरह गिरता चला गया। प्लेन का हाइट बहुत ही कम था इसलिए बस कुछ ही सेकेंड्स में न्यूयॉर्क के एक छोटे से बस्ती में ये क्रैश हो गया। प्लेन में भरे फ्यूल में आग लगा और जोर से एक धमाका हुआ जिससे आसपास के घरों में रहने वाले 6 लोगों की और प्लेन में सवार सभी 260 लोगों की जान चली गई। घटना के तुरंत बाद एक रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंच गया। ये प्लेन क्रैश 9/11 के बस 2 महीने बाद ही हुआ था, इसीलिए पूरा शक इसी बात पर था कि ये प्लेन क्रैश हुआ नहीं बल्कि करवाया गया होगा। इसके लिए 2 इन्वेस्टिगेशन टीम को चुना गया। पहला टीम पैसेंजर्स के बैकग्राउंड का पता लगाने के लिए और दूसरा इस केस की छानबीन करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन की एक टीम प्लेन के सारे मलबे को चुनने में और इस घटना को जितने भी लोगों ने देखा उनके इंटरव्यू कलेक्शन में लग गए। साथ ही साथ ब्लैक बॉक्स को भी फाइंड कर लिया गया और इसे डिकोड करने के लिए भेज दिया गया। घटना के 3 महीने बाद सर्च ऑपरेशन में सभी पार्ट्स को भी खोज निकाला गया। प्लेन का टेल टूटकर घटना स्थल से करीब 1 मील दूर पानी में गिरा था। वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टिगेशन की टीम सभी पैसेंजर्स के बारे में छानबीन करने में लगे हुए थे पर कोई भी पैसेंजर ऐसा नहीं मिला जो किसी आतंकी संगठन से ताल्लुक रखता हो या किसी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। वहीं दूसरी टीम इस बात का पता लगाने में बिजी थे कि आखिर प्लेन अनबैलेंस कैसे हुआ, कैसे प्लेन का टेल स्टेबिलाईजर टूट के अलग हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स ये जानते थे कि फ्लाइट 587 के उड़ान भरने से पहले बोइंग 747 ने उड़ान भरा था ठीक उसी रनवे से, और जब कोई प्लेन फ्लाई करता है तो उसके इंजन से प्रेशराइज्ड एयर बाहर निकलती है जो अपने पीछे के एयर को डिस्टर्ब कर देती है, और ठीक इसके पीछे अगर कोई दूसरा प्लेन आता है तो वो प्लेन टर्बुलेंस में फंस जाएगा और प्लेन हिलने लगेगा। अब क्योंकि उस रनवे से बोइंग 747 जो कि 4 इंजन वाला काफी बड़ा प्लेन है, इसलिए हो सकता है फ्लाइट 587 टर्बुलेंस का शिकार हो गया हो। पर क्या यह टर्बुलेंस इतना घातक हो सकता है कि वो किसी प्लेन को क्रैश करा दे या उसके टेल को ही उखाड़ फेंके? प्लेन का टेल आखिर टूटा तो कैसे टूटा? इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि हो सकता है इसके ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम हुआ होगा।
पर ऐसा भी नहीं था, यह प्लेन हाल में ही मेंटेनेंस शॉप से रिपेयर होके आया था। फ्लाइट 587 का टेल 6 बोल्ट्स की मदद से प्लेन के मेन बॉडी से ज्वाइंट था और सभी बोल्ट्स टाइटेनियम के स्ट्रॉन्ग मेटल से बना हुआ था। इन बोल्ट्स की जांच करने के बाद ये सारे के सारे बोल्ट्स सही सलामत थे, यानी कि ज्वाइंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स ये जानते थे कि टर्बुलेंस प्लेन के टेल को उखाड़ नहीं सकता। अब यहाँ पर एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर होता गया और फाइनली शक पायलट पर आकर अटक गया। इस क्रैश के पीछे की वजह ना तो कोई टेररिस्ट निकला और ना ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मतलब साफ था कि पायलट ने ही प्लेन के स्टेबिलाईजर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया होगा। और इसे प्रूव करने के लिए प्लेन के टेल के कंपोजिशन को जांच करने के लिए भेज दिया गया। पर क्या किसी मेटल के टुकड़े को जांच करके ये पता लगाया जा सकता है कि उस पर कितना दबाव पड़ा था? वेल, इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये एक पेपर है, बट सपोज कि ये एक मेटल का टुकड़ा है। हम इसके दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि इसके कंपोजिशन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, थोड़ा सा ये खिंच के लंबा हो गया है। अब क्योंकि ये पेपर का टुकड़ा था, इसीलिए हमने इसे खुली आंखों से देखकर पता लगा लिया। पर किसी मेटल के टुकड़े में अगर अधिक फोर्स लगता है तो हम उसे खुली आंखों से जांच नहीं कर सकते, और इसीलिए फ्लाइट 587 के टेल की जांच करने के लिए भेजा गया, ताकि उसके कंपोजिशन में हुए बदलाव को मेजर किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि प्लेन के टेल में कितना दबाव पड़ा था। जांच के बाद ये पता चला कि प्लेन के टेल के दोनों साइड ने बेहद ही अधिक मात्रा में एरोडायनामिक फोर्स को झेला था, इतना अधिक कि वो उखड़ के प्लेन से अलग हो जाए। आखिर शक यकीन में बदल ही गया। कुछ महीने बाद ब्लैक बॉक्स ने भी ये खुलासा किया कि पायलट ने ही गलत कदम उठाया था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रियल में क्या हुआ था। टेक ऑफ के 1 मिनट 40 सेकंड बाद प्लेन अनबैलेंस हो गया। पायलट ने प्लेन को कंट्रोल करने के लिए फुल रडर का इस्तेमाल किया, जो कि पायलट की पहली गलती थी। पायलट ने टर्बुलेंस से निकलने के लिए प्लेन का स्पीड बढ़ा दिया, ये पायलट की दूसरी गलती थी। पायलट बार बार रडर पेडल को फुल्ली प्रेस कर रहा था, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ऐसा करने से एयर तेजी से स्टेबिलाईजर से टकरा रहा था। देखा जाए तो प्लेन के पूरे मास को एक छोटा सा स्टेबिलाईजर ही मोड़ रहा था, वो भी हाई स्पीड और टर्बुलेंस में। फाइनली स्टेबिलाईजर ही टूट के अलग हो गया और प्लेन एक अपाहिज की तरह स्पिन करते हुए क्रैश हो गया। यहाँ पर पायलट को रडर पेडल का यूज नहीं करना चाहिए था और ना ही प्लेन को टर्बुलेंस से बाहर निकालने की कोशिश करना चाहिए था। वेल, तो ऐसे में पायलट के पास ऑप्शन ही क्या बचा था? क्या करता आखिर पायलट ऐसे कंडीशन में? दोस्तों, फ्लाइट 587 एक एयरबस था और एयरबस में प्लेन के साइड स्टिक का कंट्रोल पूरी तरह से पायलट के पास नहीं होता। इसका 50% कंट्रोल पायलट के पास और 50% कंट्रोल कंप्यूटर के पास होता है। यानी कि अगर पायलट अचानक से प्लेन को डाउन करना चाहे तो कंप्यूटर उसे ऐसा करने नहीं देगा। प्लेन बस लिमिटेड एंगल में ही डाउन हो सकता है, पर ऐसा रडर पेडल के साथ नहीं होता। पायलट फुल्ली रडर का इस्तेमाल कर सकता है। शायद इसीलिए पायलट ने रडर पेडल का ही इस्तेमाल किया और प्लेन क्रैश हो गया। ठीक वैसे ही जब तेज गति से चल रहे कार में हम अचानक से फुल स्टीयरिंग मोड़ देते हैं और कार मुड़ने के बजाय क्रैश हो जाता है। अमेरिका के मैक्सिमम पायलट्स छोटे प्लेन से शिफ्ट होके कमर्शियल प्लेन्स में आते हैं और छोटे प्लेन्स हल्का होने के कारण टर्बुलेंस में भी फुल रडर का इस्तेमाल करके टर्बुलेंस से आसानी से निकला जा सकता है, और ऐसा बार बार करने से एक हैबिट बन जाता है। और जब ऐसा सिचुएशन किसी बड़े प्लेन में आता है तो पायलट्स अपने हैबिट के कारण गलत कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, टर्बुलेंस नेचुरल है। भले ही प्लेन का इंजन टर्बुलेंस क्रिएट करता है, बट ये खत्म अपने तरीके से ही होता है। एयर प्रेशर खुद ब खुद इक्वल हो जाता है। ऐसे कंडीशन में पायलट को वेट करना चाहिए था, उन्हें नेचर के खिलाफ जाकर प्लेन को उड़ाना नहीं चाहिए था। यहाँ पर वेट का अर्थ है कि अगर टर्बुलेंस प्लेन को नीचे झुकाने की कोशिश करता है तो पायलट को प्लेन के नोज को ऊपर करना चाहिए। अगर टर्बुलेंस प्लेन के नोज को ऊपर उठाता है तो पायलट को प्लेन के नोज को नीचे झुकाना चाहिए, और यही प्रोसेस तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि प्लेन टर्बुलेंस से बाहर ना निकल जाए। यानी कि ऐसे कंडीशन में प्लेन को स्टेबल रखना चाहिए। हालांकि ये कंडीशन सिर्फ फ्लाइट 587 के लिए मैं बता रहा हूँ। अलग अलग सिचुएशन में पायलट अलग अलग डिसीजंस ले सकता है। क्या करेगा पायलट
अगर प्लेन टर्बुलेंस में फंस जाए। इस टॉपिक पर भी हम जल्द ही बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।